हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। लक्ष्य तक आपके साथ स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस चैनल में। गाइस, आज का लेक्चर पूरे फरवरी मंथ का होने वाला है, यानी पूरे फरवरी मंथ के जितने भी करंट न्यूज़ थे उसको हम एक ही लेक्चर में उसको डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन ये बहुत डीप नहीं होने वाला है, केवल वन लाइनर में ही होगा आपका, ताकि आप एग्ज़ाम जब हो तो एक रिविज़न के लिए क्विक रिविज़न आप उसको कर सकें, देख सकें। और ये मैक्सिमम 1 आवर का ही होगा, कोशिश करेंगे कि 1 आवर में ही कंप्लीट हो जाए। बाकी 1 घंटे, 1.5 घंटे, 1.5 घंटे भी हो सकता है, कोशिश करेंगे कि 1 ही घंटे में हो जाए, ताकि आप क्या कर सको, उसको स्पीड में एग्ज़ाम टाइम में देख सको। तो चलिए देख लेते हैं। बाकी जिसको डिटेल में देखना है उसका प्लेलिस्ट क्रिएट है। जिस मंथ का देखना हो, जनवरी, फरवरी, सबका है। मार्च तो अभी चल ही रहा है, तो सबका एक एक करके लेक्चर वहाँ शेयर किया गया, अपलोड किया गया, तो आप लोग वहाँ जा कर के पूरा डिटेल में देख सकते हैं। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा मोटिवेशन कोट है उसको देखते हैं, ताकि हमारे अंदर एक क्या हो, एक मोटिवेशन आ जाए कि हमें इस चीज़ को करना है। ठीक है, बहुत लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं, तो इसीलिए ज़रूरी है कि हम इसको देख लेते हैं। देखते हैं क्या कह रहा है। अगर आप समय का बजट बना लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि आप अपने लक्ष्य के प्रति कितने गंभीर हैं। अगर हम अपने समय के अनुसार काम करते हैं तो लगता है कि हाँ, हम इस लक्ष्य के प्रति डेडिकेट हैं, हम इस लक्ष्य के प्रति डेडिकेट हैं। अगर समय के अनुसार काम नहीं करेंगे तो ऐसा लगेगा कि बस क्या कर रहे हैं, फॉर्मेलिटी कर रहे हैं, फॉर्मेलिटी किसी को दिखाने के लिए कर रहे हैं। बट ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा लक्ष्य है कि हमें अपने गोल तक पहुँचना है, हमें ये पाना है। तो एक शेड्यूल बनाइए, टाइम टेबल बनाइए, और उसी के अकॉर्डिंग आप काम करिए, और फिर देखिए आप अपने लक्ष्य पर बहुत ही इजीली और बहुत ही जल्दी उसको पा सकते हैं। चलते हैं, देखते हैं। तो 1 फरवरी से डिस्कस करते हैं, देख लेते हैं क्या क्वेश्चन कहना। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति प्रणाली ग्रेट बैरियर रीफ, जो कि अक्सर चर्चा में बनी हुई है, किस देश में स्थित है। तो ये किस देश में, तो एक तो पहली बात है कि विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति, ये क्वेश्चन आता है इंपॉर्टेंट है कि विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कहाँ पर है। तो ये कहाँ पर, ऑस्ट्रेलिया है, और ऑस्ट्रेलिया में एक घास का मैदान है जिसको डाउन्स बोलते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा, दोनों इंपॉर्टेंट है। हाल ही में सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मीटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने कहाँ पर नई बैंक नोट प्रिंटिंग लाइन स्थापित की है, तो कहाँ पर की है, देवास और नासिक में की है। हाल ही में राष्ट्रपति, कौन से राष्ट्रपति, उनका क्या नाम है, मातारेला, किस देश के दूसरे कार्यकाल के लिए पुनः निर्वाचित हुए हैं, तो वहाँ कहाँ के, इटली के गए हैं मातारेला, इटली के, जो कि पुनः निर्वाचित हुए हैं सेकेंड टाइम। नेक्स्ट है शियोमारो कास्त्रो, क्या नाम है इनका, शियोमारो कास्त्रो, किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है, तो होंडुरास, होंडुरास की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है शियोमारो कास्त्रो, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ओडिशा ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 में महिला एकल का खिताब किस युवा खिलाड़ी के द्वारा जीता गया है, तो किसके द्वारा जीता गया, ओडिशा ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट उन्नति हुड्डा के द्वारा जीता गया है। पुस्तक फियरलेस गवर्नेंस इंपॉर्टेंट है, तो उसको ध्यान रखिएगा, क्या इनकी बुक है, फियरलेस गवर्नेंस, जिसका हाल ही में विमोचन किया गया है, किस लेखिका के द्वारा लिखा गया है, तो किरण बेदी जी के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, NIPR नीपर अनुसंधान पोर्टल हाल ही में किसके द्वारा शुभारंभ किया गया है, NIPR, तो ये किसके द्वारा, मनसुख मंडाविया के द्वारा, किसके द्वारा ये स्टार्ट किया गया है, मनसुख मंडाविया के द्वारा, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देख लेते हैं क्या कह रहा है, किस देश के द्वारा हो सॉन्ग 12 मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल, मध्यम दूरी की हो सॉन्ग क्या है, मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया गया है, कहाँ पर, नॉर्थ कोरिया में किया गया। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वित्त वर्ष 21-22 चालू वित्त वर्ष, नहीं गलत हो गया, वित्त वर्ष 22-23 चालू वित्त वर्ष के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत की दर से बढ़ने की संभावना है, 9.2% के दर से। देश की पहली स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कंपनी कौन सी बन गई, चेन्नई सुपर किंग्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान रखिएगा कि देश की पहली स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कंपनी कौन सी बन गई है, चेन्नई सुपर किंग्स बन गई है। नेक्स्ट कौन सा है, किस राष्ट्रीय संस्थान आयोग द्वारा, किस राष्ट्रीय संस्थान आयोग द्वारा, आयोग द्वारा 31 जनवरी 2022 को अपना 30वां स्थापना दिवस मनाया गया है, तो राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग कब मनाता है अपना स्थापना दिवस, 31 जनवरी को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन 2 फरवरी का है। विश्व आर्द्र भूमि पूरी दुनिया में
हर साल कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है आर्द्र भूमि दिवस? तो ये मनाया जाता है 2 फरवरी 1971 को रामसर साइट में, ईरान का जो रामसर सिटी है, तो वहीं पर यह सम्मेलन हुआ था। तो हर साल यही मनाया जाता है। और जो इसकी थीम रखी गई है विश्व आर्द्र भूमि की, वो ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, लोगों और प्रकृति हेतु आर्द्र भूमि कार्यवाही। क्या है? लोगों और प्रकृति हेतु आर्द्र भूमि कार्यवाही। तो ये आपको कार्यवाही, ये तो आपको क्लियर हो गया होगा। और टोटल पूछे कितनी रामसर साइट्स हैं इंडिया में, तो टोटल कितनी है? 49 है। कितनी रामसर साइट्स है? 49 है। और अगर यूपी की बात करें तो यूपी में टोटल 9। तो ये ध्यान रखिएगा। भारतीय जीवन बीमा निगम के अध्यक्ष का कार्यकाल 1 साल बढ़ा करके 2023 तक कर दिया गया। उनका अध्यक्ष का क्या नाम है? तो ये है MR कुमार। क्या नाम है इनका? MR कुमार। तो इनका क्या है? कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। क्यों बढ़ा दिया गया? क्यों मतलब इसको 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया? क्योंकि एक्चुअली LIC जो है अपना IPO लाने वाला है, तो अभी बीच में अगर हटा दिया जाएगा, चले जाएंगे, तो उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ना आए, कुछ प्रॉब्लम ना आए, इसीलिए क्या किया गया, इनका 1 साल बढ़ा दिया गया। और LIC की स्थापना कब हुई थी? 1956 में हुई थी, और 1956 एक्ट के तहत हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में है। तो LIC अपना सबसे बड़ा जो है IPO लेने लाने वाला है। और IPO क्या होता है? जब किसी कंपनी का शेयर क्या करते हैं, मार्केट में पहली बार रखते हैं, उसी को IPO कहते हैं। तो उम्मीद है ये क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में बम चक्रवात, कौन सा चक्रवात, क्या नाम है इसका? बम चक्रवात के कारण हाल ही में किस देश के कई राज्यों ने इमरजेंसी की घोषणा कर दी है? तो बम चक्रवात कहाँ पर आया हुआ था? अमेरिका में आया, अमेरिका के पूर्वी तट पर। लगभग इसमें क्या हुए हैं? 7 करोड़ लोग इससे अफेक्टेड हुए हैं। तो और ये ध्यान रखिएगा, जो चक्रवात का केंद्र होता है वहाँ पर कौन सा प्रेशर होता है? तो लो प्रेशर होता है। तो ये ध्यान रखिएगा, जहाँ पर वर्षा की बहुत ज़्यादा संभावना होती है। और आर्द्रता का मापन किससे करते हैं? हाइग्रोमीटर से करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है? वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार किसके द्वारा जीता गया? तो इम्पोर्टेंट है वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर PR श्रीजेश के द्वारा जीता गया। ये है PR श्रीजेश। भारतीय तटरक्षक बल, इम्पोर्टेंट है कि भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा 1 फरवरी 2022 को कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? 46th नंबर का। तो 46th नंबर का तो ठीक है, लेकिन ये जो इंडियन कोस्ट गार्ड जो है, इसका ये मतलब कब ये स्थापना इसकी दिवस मनाई जाती है? 1 फरवरी को। और इस बार जो 2022 में इसकी बनाई गई 46 नंबर की मनाई गई है। किस राज्य के होयसला मंदिर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है होयसला मंदिर, किस राज्य के होयसला मंदिर को हाल ही में 2022-23 के लिए विश्व धरोहर विश्व विरासत सूची के लिए भारतीय नामांकन के तौर पर शामिल किया गया? तो कर्नाटक। कहाँ का है ये? कर्नाटक। तो कर्नाटक का जो होयसलेश्वर मंदिर है, इसको 22-23 के लिए विश्व विरासत सूची के लिए भारतीय नामांकन के तौर पर इसको शामिल किया गया। और होयसलेश्वर जो है वो किस शैली में है? तो बेसर शैली में, ये ध्यान रखिएगा, बेसर शैली में है। और खजुराहो आपका है, कोडार्क है, ये सब किस शैली में है? नागर शैली में। और नागर शैली जो है वो मतलब कहाँ है? उत्तर भारत में फेमस है। नागर शैली के जो मंदिर हैं वो आपको कहाँ मिलेंगे? उत्तर भारत में मिलेंगे। और दक्षिण भारत में मंदिर आपको कौन से मिलेंगे? जैसे द्रविड़ वाला मंदिर जो कि फेमस है, बृहदेश्वर मंदिर, कौन सा मंदिर? बृहदेश्वर मंदिर और मीनाक्षी मंदिर। तो ये सब ध्यान रखिएगा, पूछता है कि होयसलेश्वर किस शैली में बना हुआ मंदिर है, बेसर हो गया, पूछ ले खजुराहो किस शैली में बना हुआ है, कोडार्क किस शैली में बना हुआ है, तो आप आंसर दे दीजिए नागर शैली में बना हुआ है, जो कि उत्तर भारत में फेमस है। मीनाक्षी बृहदेश्वर मंदिर ये सब आपकी द्रविड़ शैली में बने हुए हैं। तो मंदिर की ये सब क्या है? शैलियाँ मंदिर निर्माण की। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेहत पहल का संबंध किससे, ये भी सेहत पहल का संबंध किस मंत्रालय से? तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि ये किस मंत्रालय से है? तो रक्षा मंत्रालय से है। सेहत है, अब ये है सेहत है, तो सेहत का मतलब ये मत करिएगा कि आयुष मंत्रालय इससे संबंधित है, ना, ये किससे संबंधित है? रक्षा मंत्रालय से। तो उम्मीद है ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। आगे अगर चलें, आगे देखें, और सेहत, सेहत का फुल फॉर्म अगर जान लीजिए, ये जो सेहत है ये ऐसे लिखा रहेगा, सेहत, सेहत का मतलब फुल फॉर्म देखा जाए तो सर्विस, ई से ई हेल्थ सर्विस, ई हेल्थ, ए से असिस्टेंस एंड क्या हो जाएगा, एंड कंसल्टेशन मतलब कि जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं सैन्य कर्मी और उनके परिवार को क्या किया जाएगा, ऑनलाइन कंसल्टेशन और दवाओं की होम डिलीवरी की जाएगी। तो उम्मीद है ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी ने केंद्रीय बजट 22-23 जो प्रस्तुत किया उसको उसके अकॉर्डिंग जो है प्रस्तुत करते हुए वर्चुअली डिजिटल
परिसंपत्तियों के हस्तांतरण पर कितने परसेंट टैक्स लगाए जाने की घोषणा की है, तो 30% इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन, 100% आपका किसी ना किसी एग्जाम में आपको दिखेगा ही दिखेगा। तो कितने परसेंट आपको टैक्स लगाया गया कि क्रिप्टो करेंसी का जो क्या करेंगे हस्तांतरण करेंगे तो उस पर कितने परसेंट टैक्स लगाए जाने की घोषणा की गई है, तो 30% की गई है। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा कह रहा है रक्षा खुफिया एजेंसी के नए प्रमुख के रूप में 31 जनवरी 2022 को किसे नियुक्त किया गया है, तो किसे नियुक्त किया गया है, जीएवी रेड्डी को नियुक्त किया गया है। और ये तो आपका होमवर्क था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विश्व उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग हर दिवस विश्व उपेक्षित कटिबंधीय रोग दिवस हर साल कब मनाया जाता है, तो ये कब मनाया जाता है, 30 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग दिवस हर साल कब मनाया जाता है, तो 30 जनवरी को मनाया जाता है। चलिए ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं आगे के क्वेश्चन पर, आगे का क्वेश्चन। और हाँ, इसमें ये देख लीजिए कि ये अब किस बार कितनी, ये इस बार जो है तीसरी बार मनाई गई है, कब मनाई गई, तीसरी बार। और इसकी इसका जो प्रस्ताव दिया था मान्यता का यूएई के द्वारा दिया गया था, यूएई के द्वारा दिया गया था। और इसकी थीम क्या रखी गई थी, गरीबी से संबंधित बीमारियों की उपेक्षा को समाप्त करने के लिए स्वास्थ्य समानता हासिल करना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, हाल ही में किस राज्य या यूटी में स्पितुक गस्टर फेस्टिवल मनाया गया, तो लद्दाख में मनाया गया। तो ये भी ध्यान रखिएगा क्योंकि फेस्टिवल से क्वेश्चन आते हैं। फरवरी 2022 में भारत में रामसर साइट में दो नए स्थल की घोषणा किए जाने के बाद कुल कितने रामसर साइट हो गए, 49, जो कि मैंने ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर दिया है, ये बता दिया था कि टोटल अब कितने हो गए हैं, 49 हो गए हैं। आगे चलते हैं, आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। 49, जैसे कि अभी आप पूछेंगे कि 49 हो गया तो अभी हाल ही में कौन से दो रामसर साइट, तो ये भी आपको जानना चाहिए। तो बहुत डीप जानना है अगर आपको, तो आप जाकर के जो ये 3 फरवरी का लेक्चर डिस्कस कर रहे हैं, जाकर के 3 फरवरी का देख लीजिए, वहाँ बहुत डीप बताया है। अब यहाँ अगर डीप बताने लगेंगे तो लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा, फिर वही दिक्कत होगी, देखने वाली प्रॉब्लम होगी, तो इसीलिए। लेकिन फिर भी दो जो रामसर साइट ऐड किए गए हैं वो मैं बता दे रही हूँ, एक है खिजादिया जो कि आपका कहाँ है, गुजरात, ये गुजरात में मिलेगा। एंड सेकंड आपका क्या है, बखिरा जो है 49 नंबर का है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, बखिरा, तो ये बखिरा पक्षी अभ्यारण्य जो कि उत्तर प्रदेश का है, तो इसको ऐड किए गए हैं। और अब टोटल कितने हो गए हैं, 49 हो गए हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार भारत में वन क्षेत्र वृद्धि के मामले में विश्व में कौन से स्थान पर है, आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार भारत वन क्षेत्र वृद्धि के मामले में विश्व में कौन से स्थान पर है, तो तीसरे स्थान पर है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, तीसरे स्थान पर। अगर पूछ ले वन क्षेत्रफल के आधार पर सबसे टॉप पर कौन है, तो मध्य प्रदेश है। वृद्धि के मामले में कहाँ पर वृद्धि दर्ज की गई है, तो वो आपका आंध्र प्रदेश हो गया। प्रतिशत के मामले में कौन टॉप पर है, तो मिजोरम है। अगर पूछ ले कि इसमें कम की दृष्टि से, चाहे आप क्षेत्रफल की दृष्टि से या प्रतिशत की दृष्टि पर, सबसे कम कहाँ पर दर्ज किया गया है रिकॉर्ड, ये वन क्षेत्रफल का, या क्षेत्रफल या प्रतिशत, जो भी पूछ ले, दोनों में एक ही है नाम है, हरियाणा नाम है उसका, तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, किस देश ने हाल ही में पहली बार संघीय कॉरपोरेट टैक्स लागू करने की घोषणा की है, तो वो कौन सा है, संयुक्त अरब अमीरात है, यूएई संयुक्त अरब अमीरात, तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसमें और भी कुछ बता देते हैं कि ये जो है, ये संयुक्त अरब अमीरात जो है, ये सबसे ज़्यादा देखा जाए तो जो बहुत सारी कंपनियां हैं उनके हेडक्वार्टर यहीं पर है, क्योंकि ये टैक्स नहीं, यहाँ पे कोई टैक्स नहीं है। तो अभी इसने क्या किया है, यहाँ पर पहली बार संघीय कॉरपोरेट टैक्स लागू करने की घोषणा की है, पहली बार की है। और इस बार इसको तो संयुक्त अरब अमीरात को FATF के उसमें ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया है, इसी कारण, क्योंकि ये क्या करता है, अपराध के जो भी मतलब ये फंडिंग को रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठा रहा है, लोग जो भी हैं अपने मनी लॉन्ड्रिंग इन सब के लिए यही जाते हैं अपना, तो ये। और जो टैक्स लगा रहा है वो कितने परसेंट की दर से लगाएगा, 9% की दर से लगाएगा। और UAE यानी संयुक्त अरब अमीरात की मुद्रा क्या है, दिरहम है। और यहाँ पर जो पहली पेपरलेस सरकार स्थापित की गई है, पेपरलेस सरकार कहाँ स्थापित की गई है विश्व की, तो संयुक्त अरब अमीरात में ही की गई है। और होप मिशन किसका है, इसी संयुक्त अरब अमीरात का है, जो मंगल ग्रह के लिए है। तो इससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट हैं मैंने आपको बता दिए हैं। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसको गेल कहते हैं, कहाँ पर प्राकृतिक गैस प्रणाली में हाइड्रोजन के लिए
हाइड्रोजन के मिश्रण की, ये डेली मैं जब भी एमपी का नाम आता है तो ये दो क्वेश्चन मैं हमेशा डिस्कस करती हूँ। पहला क्वेश्चन तो यही है कि कहाँ पर प्राकृतिक गैस प्रणाली में हाइड्रोजन के मिश्रण की भारत की अपनी तरह की पहली परियोजना शुरू की गई, तो इंदौर के एमपी के इंदौर में गेल ने सीजीडी नेटवर्क में हाइड्रोजन के सम्मिश्रण के भारत की पहली परियोजना शुरू की। हैप्पी शॉप ब्रांड का है संबंध किससे संबंध है, तो एच से हैप्पी, एस से एचपीसीएल, तो ये थोड़ा ट्रिक है, आप उसको याद कर सकते हैं, सामने ऑप्शन आ जाएगा तो आप क्लियर हो जाएगा कि हाँ ये तो बोला गया था तो यानी यही होगा हैप्पी एचपीसीएल। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस बैंक के साथ पतंजलि अरविंद लिमिटेड ने एनपीसीआई के साथ पार्टनरशिप में कॉन्टैक्टलेस क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया, तो पीएनबी। इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 के अनुसार अप्रैल 2019 और दिसंबर 2021 के मध्य सबसे ज़्यादा स्टार्टअप कहाँ शुरू किए गए हैं, तो सबसे ज़्यादा स्टार्टअप जो शुरू किया गया वो कहाँ पर है, दिल्ली में स्टार्ट किया गया है, तो ये भी क्लियर हो गया होगा। और सेकेंड नंबर पर कहाँ स्टार्ट किया गया है, बेंगलुरु, फर्स्ट पे दिल्ली है, जहाँ पे मतलब क्या है क्वेश्चन कह रहा है सबसे ज़्यादा स्टार्टअप स्टार्ट की बात की गई, तो स्टार्ट में दिल्ली है, सेकंड आपका कहाँ है, बेंगलुरु है, तो ये अभी क्लियर हो गया होगा। और यूनिकॉर्न की दृष्टि जो मतलब भारत में टोटल कितने यूनिकॉर्न हैं, तो टोटल है 44 यूनिकॉर्न है, और इस दृष्टि से भारत जो है थर्ड रैंक पर है, यूनिकॉर्न की दृष्टि से भारत जो है वो थर्ड नंबर पर है, पहले पे कौन है, अमेरिका है, सेकेंड पे चाइना है। और इसी नेशनल स्टार्टअप डे कब से मनाए जाने की घोषणा की गई है, 16 जनवरी को, तो ये भी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, कहीं ना कहीं जरूर फंसेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी द्वारा हाल ही में जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार किन दो राज्यों में बेरोजगारी सबसे ज़्यादा देखने को मिली है, तो वो कौन से स्टेट्स हैं, एक आपका राजस्थान है और सेकेंड आपका बिहार है, राजस्थान एंड एक कौन सा है आपका बिहार है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा बेरोजगारी देखने को मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 जनवरी 2022 को किसने राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक एंड सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है, तो उनका क्या नाम है, डॉक्टर मदन मोहन त्रिपाठी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस ओलंपिक खिलाड़ी को लॉरियस विश्व खेल पुरस्कार 2022 के लिए नामित किया गया, तो इम्पोर्टेंट है आपका ये क्वेश्चन कि किस ओलंपिक खिलाड़ी को लॉरियस विश्व खेल पुरस्कार के लिए 2022 के लिए नामित किया गया है, तो उनका क्या नाम है, नीरज चोपड़ा, तो लॉरियस के लिए नीरज चोपड़ा को नामित किया गया, इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग फोर्थ फरवरी पर 2022-23 के अनुसार, चलिए देख लेते हैं, इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन, क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये बजट से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो बजट के भी क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसलिए इसको डिस्कस कर लेते हैं कि 2022-23 के लिए जो पीएम ई विद्या योजना इसके तहत जो वन क्लास वन टीवी चैनल कार्यक्रम को 12 थे, तो 12 से कितने चैनल तक बढ़ाया जाएगा, तो ये कितनी घोषणा की गई, 12 से कितना बढ़ाया जाएगा इसको, 200 बढ़ाने की घोषणा की गई है, तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 2 फरवरी 2022 को किसने इंडिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट 2021 जारी किया है, तो ये भी आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि 2 फरवरी ये कब जारी किया वो मैटर नहीं करता है, लेकिन ये इंडिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट 2021 है वो किसके द्वारा जारी की गई है, तो राइट एंड रिस्क एनालिसिस ग्रुप, क्या क्वेश्चन कह रहा है, राइट एंड रिस्क एनालिसिस ग्रुप, अगर यही पूछ ले, ये तो बोला है इंडिया, लेकिन अगर क्वेश्चन क्या कह दे, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम, अगर इंडिया का पूछे, वैसे अधिकतर तो वर्ल्ड का पूछता है, लेकिन अब क्या क्वेश्चन पूछेगा वो तो हमें नहीं पता, हमें तो सब तैयारी करके चलना है, तैयार रहना है कि कोई भी क्वेश्चन आए हमें बस फटाक से टिक कर देना कि हाँ ये भैया हमको पता है ये आंसर सही है, तो इंडिया का अगर पूछ ले तो राइट, इंडिया का क्या है, राइट है, इंडिया का क्या है, राइट है, और इंडिया हमेशा रिस्क लेने के लिए भी तैयार रहता है, तो ऐसे आप ट्रिक करके याद कर सकते हैं कि इंडिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट राइट एंड रिस्क एनालिसिस ग्रुप, लेकिन अगर पूछ ले वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर की रिपोर्ट जो है वो किसका है, बिना किसी बॉर्डर के है, तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम जो रिपोर्ट है वो किसके द्वारा जारी किया जाता है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट जो किसके द्वारा जारी किया जाता है, रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर, आई थिंक दोनों क्लियर हो गया होगा। अगर ये पूछ ले कि भ्रष्टाचार बोध सूचकांक ये रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है, भ्रष्टाचार बोध इंडेक्स जो है सूचकांक जो है किसके द्वारा जारी की जाती है, तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी की जाती है, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है, जर्मनी में है, और भ्रष्टाचार में भारत की रैंकिंग क्या है, 85 है, ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, केंद्रीय बजट
ये भी बजट की ही क्वेश्चन है। केंद्रीय बजट 22-23 में 6,000 करोड़ रुपए की जो अनुमानित लागत है उसके साथ जो रैंप, रैंप हमेशा जब भी एमएसएमई का क्वेश्चन आता है मैं हमेशा इसको रिवीजन कराती हूँ, अब तो आपको रट गया होगा एकदम, कि रैंप कार्यक्रम को शुरू करने की घोषणा की गई किससे संबंधित है, तो रैंप जो कार्यक्रम है वो किससे संबंधित है, एमएसएमई, किससे संबंधित है, एमएसएमई से संबंधित है। और चलिए ये आपको क्लियर हो गया होगा, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, और ये जो रैंप है रैंप का फुल फॉर्म देख लेते हैं, रैंप का जो फुल फॉर्म है वो क्या है, रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग, ये आपको क्लियर हो गया होगा। और एक्सेलरेटिंग एमएसएमई, एम से तो एमएसएमई होगा, और फिर क्या है, पी से आपका क्या हो जाएगा, परफॉर्मेंस हो जाएगा। और एमएसएमई में मतलब इसमें एमएसएमई की स्थिति में सुधार करने के लिए ये रैंप कार्यक्रम स्टार्ट किया गया है, और इसके एमएसएमई के मिनिस्टर कौन है, ये नारायण राव है, और कितने साल के लिए लागू हो रहा है, 5 साल के लिए लागू होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस देश के द्वारा 2021 में भारत के व्यापार भागीदार के रूप में शीर्ष स्थान हासिल किया है, तो कौन हासिल किया, अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस राज्य में मतदाताओं में जागरूकता फैलाने के लिए चुनावी शुभंकर शेरा का नामकरण किया गया है, तो पंजाब। करवई श्रेणी में प्रोजेक्ट 75 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट 75 जो है उसकी 5वीं पनडुब्बी, जिसने 1 फरवरी 2022 को अपनी समुद्री परीक्षण यात्रा शुरू की है, और उसमें जो ये आपका जो 5वीं पनडुब्बी है जिसने, तो इसका नाम क्या, तो इसका नाम है आई एन एस वगीर। तो प्रोजेक्ट 75 पहले तो आपको ये जानना है कि प्रोजेक्ट 75 है ये किसके किसके बीच है, तो ये है आपका इंडिया एंड फ्रांस के बीच। और इसमें क्या हुआ था, ये इसने बोला है पांच पनडुब्बी जिसने अभी अपना समुद्री परीक्षण यात्रा शुरू कर दी, यानी इसके पहले भी चार होंगे, तो वो कौन कौन से हैं, तो एक है आपका आई एन एस कलवरी, दूसरा आपका है आई एन एस खांदेरी, तीसरा आपका आई एन एस करंज, एंड फोर्थ आपका है आई एन एस वेला, और पांचवा आपका क्या है, आई एन एस वागीर, और अभी छठी आने वाली है, तो छठी आपका उसका क्या नाम है, आई एन एस वागशीर, जो कि भविष्य में शामिल होगा ये, तो ये आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और गाइस सेशन को प्लीज़ लाइक किया करिए, शेयर कर दिया करिए अपने दोस्तों के साथ, हर बंदे के पास 5 से 10 दोस्तों होंगे, ये मिनिमम होंगे, वैसे तो बहुत होते हैं बट मिनिमम मैं बता रही हूँ, तो अगर आप सबको शेयर करते हैं तो उनका बेनिफिट भी होगा, और प्लस मुझे भी एक सपोर्ट मिलेगा कि आप लोग थोड़ा मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, तो मुझे भी थोड़ा अच्छा लगेगा, तो मुझे और भी मेहनत करने में अच्छा लगेगा कि आप लोग के लिए मैं और भी कुछ स्टार्ट करूँ, जैसे कि मैंने स्टार्ट किया था कि चलिए केवल करंट अफेयर्स करूँगी, लेकिन फिर मैंने सोचा नहीं चलो कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी कराते हैं, जिससे आप लोग के और भी चीज़ों जीएस से रिलेटेड भी आपकी तैयारी होती रहे। इसके लिए मैंने एक टेलीग्राम चैनल भी बनाया, वहाँ भी क्वेश्चंस रहे, तो आप लोग के लिए अगर हम इतना कर रहे हैं तो आपके लिए भी बस एक लाइक करना है, एक लाइक करेंगे तो मुझे सपोर्ट मिलेगा, बाकी मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस आप एक लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ क्या करिए, शेयर करते रहिए, और जो नए देख रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इतना तो आपको फर्ज बनता है, बिना कहे आपको कर देना चाहिए। जनवरी 2022 में निम्न में से किस आईआईटी में किफायती और स्वच्छ ऊर्जा में वैश्विक उत्कृष्टता केंद्र के शुभारंभ के अवसर पर एक आभासी समारोह आयोजित किया गया था, तो किसके द्वारा, आईआईटी धारवाड़ के द्वारा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि परम प्रवेगा क्या है, अभी आप मार्च के लेक्चर में मैंने आपको बताया हुआ है कि परम गंगा क्या है, तो परम गंगा वहाँ आपने देखा होगा, और परम प्रवेगा क्या है, तो ये भी सुपर कंप्यूटर है, ये क्या है, परम प्रवेगा क्या है, सुपर कंप्यूटर है। और भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है, परम 8000 है। और ये जो फुगाकू सुपर कंप्यूटर कहाँ का है, जापान का है, जो कि विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है। और जो ये जनक हैं, कंप्यूटर के जनक जो हैं वो कौन कहलाते हैं, विजय भटकर कहलाते हैं, ये भारत के सुपर कंप्यूटर के जनक कौन कहलाते हैं, विजय भटकर कहलाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, किस खिलाड़ी को आईसीसी ने हाल ही में स्प्रिट ऑफ द वर्ल्ड, एक लॉरियस याद रखिएगा, लॉरियस नीरज चोपड़ा जो कि अभी मैंने डिस्कस किया थोड़ी देर पहले, और एक स्प्रिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है, डेरियल मिशेल। अब जो ये सम्मानित किया गया है किसके लिए, नामित किया, एक जगह लिख लीजिए ताकि रिविजन में आपको बहुत ईजी रहे, क्योंकि खेल उल से एक नए क्वेश्चन हमेशा बनता है, फेस्टिवल से एक क्वेश्चन हमेशा बनता है,
जो भी मतलब पुरस्कार दिए गए उससे क्वेश्चन बनता ही बनता है, जो हमें पता है कि यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है हर चीज़ को जो हम लोग लिखे हैं, तो फिर क्यों गलत जाए, वो क्वेश्चन तो गलत बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। तो बस एक होता है प्रॉपर वे में लिखना, प्रॉपर वे में लिखेंगे तो रिविजन में आपको ईजी होगा, क्योंकि एक साथ नहीं हो पाता है कि ना जब जो चीज़ हमें पता है कि यहाँ से क्वेश्चन आना है तो उसको हम एक जगह रख लें फटाफट खाली रिविज़न कर लें, तो ऐसा करेंगे तो आप ही को आसान रहेगा। स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया डेरियल मिशेल को। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, हाल ही में वैज्ञानिकों के द्वारा कहाँ पर प्राचीन प्रवाल भित्ति की खोज की गई है, कहाँ पर ताहिती द्वीप, कहाँ पर की गई है ये ताहिती द्वीप पर एक प्राचीन प्रवाल भित्ति की खोज की गई है। ये ताहिती द्वीप जो है ये कहाँ पर है, तो ये फ्रेंच पोलिनेशिया के का सबसे बड़ा द्वीप है, वहीं पर इसकी खोज की गई है, और ये कहाँ पर पड़ेगा पैसिफिक ओशन प्रशांत महासागर के पास है, और प्रशांत महासागर ऐसा महासागर जहाँ पर सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी और सबसे ज़्यादा भूकंप आता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, विश्व कैंसर दिवस हर साल कब मनाया जाता है, तो 4 फरवरी को। भारतीय तटरक्षक बल 1 फरवरी, वेटलैंड डे वर्ल्ड वेटलैंड डे 2 फरवरी, एंड विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी, तो ये सब भी आपको ध्यान रखना चाहिए लाइन से। चलते हैं अपने 5 फरवरी के करंट न्यूज़ पर। हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे इंसॉल्वेंसी एंड बैंक करप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया है, तो रवि मित्तल को नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, किसे UGC के एक नए चेयरमैन के पद पर हाल ही में नियुक्त किया गया है, प्रोफेसर एम जगदीश कुमार, ये भी इंपॉर्टेंट है तो इनको भी ध्यान रखिएगा। ब्रांड फाइनेंस द्वारा जारी एक ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट के अनुसार किसे हाल ही में LIC को बीमा ब्रांडों की सूची में किस स्थान पर रखा गया है, तो 10वें स्थान पर रखा गया है। किसे कहाँ पर रखा गया, 10वें स्थान पर रखा गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, किसे भारत का पहला अन्य प्रभावी क्षेत्र आधारित संरक्षण उपाय OECM, जिसको क्या हिंदी में बोलते हैं, अन्य प्रभावी क्षेत्र आधारित संरक्षण उपाय साइट घोषित किया गया है, तो अन्य यानी किसको किया गया है, अन्य है कौन सा, अरावली जैव विविधता पार्क को किया गया है, तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देश का पहला आर्टिफिशियल सलालम कोर्स कहाँ बनाया जाएगा, तो ये कहाँ बनाया जाएगा, भोपाल में बनाया जा रहा है, कहाँ पर, भोपाल में बनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा कह रहा है, गणतंत्र दिवस परेड में किस राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी के रूप में नामित के रूप में चुना गया है, तो वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश को क्या किया गया है, इसके झांकी के रूप में गणतंत्र दिवस परेड 2022 में झांकी के लिए सर्वश्रेष्ठ झांकी के रूप में चुना गया है, किसको, यही उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश की झांकी को लास्ट टाइम में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार मिला था और इस बार भी मिला है, तो ये पूरा ध्यान रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फरवरी 2022 में केंद्र सरकार के द्वारा किसे लेखा महानियंत्रक का अतिरिक्त प्रभार संभालने के लिए नियुक्त किया है, सोनाली सिंह को इसको नियुक्त किया गया, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। 6 फरवरी 2022 को देश की टीम क्रिकेट टीम 1000 वनडे मैच खेलने वाले विश्व की पहली टीम बन जाएगी, तो भारत, ये भी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा हाल ही में होशंगाबाद का नाम बदलकर क्या किए जाने की मंजूरी दी गई है, नर्मदापुरम। हाल ही में चंद्रयान 3 मिशन कब लॉन्च किए जाने की घोषणा की है, ये कब घोषणा की गई है, एक मिनट गाइस, ये मैंने बताया अभी ना नर्मदापुरम होशंगाबाद का नाम बदल करके, तो ये तो मैंने अपने लेक्चर में ऑलरेडी बताया, जिसने नहीं देखा जा करके देख ले, बहुत डीप मैंने बताया है। और एक और कस्बा है जिसका नाम है नर्मदापुरम तो मैंने बता दी, और एक ज़िला है बाबई, मतलब इसके यहीं पर MP में एक बाबई कस्बा है जिसका नाम बदल करके माखन नगर करने की घोषणा की गई है। माखन नगर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि माखन लाल चतुर्वेदी के नाम पर कर रहे हैं, जो कि कौन है, प्रसिद्ध हिंदी कवि और पत्रकार, तो उन्हीं के नाम पर इसको किए जाने की घोषणा की गई है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, दोनों MP से संबंधित हैं। और हाल ही में चंद्रयान 3 मिशन कब लॉन्च किए जाने की घोषणा की गई है, अगस्त 2022 किए जाने की घोषणा की गई है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 5 फरवरी 2022 को भारत ने ICC अंडर 19 वर्ल्ड कप 2022 में किसे हराकर 5वीं बार खिताब जीता है, तो इंग्लैंड को हरा करके भारत ने जीता है। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा नामक लघु जीवनी के लेखक कौन है, तो नवदीप सिंह गिल। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने अपने इस्तीफे की घोषणा कर दी है, तो पेरू। हाल ही में लता मंगेशकर जी का 92 ईयर की उम्र में निधन हो गया, उनके निधन पर देश में कितने दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया था, तो 2 डेज, कितना, 2 डेज घोषित किया गया था। और यहाँ पे क्वेश्चन यही पूछेगा कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो MP के इंदौर में हुआ था, और वहीं पर इनका MP के इंदौर में ही इनका जन्म हुआ था, 1929 में हुआ था। और ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि इनको
भारत रत्न अवार्ड कब मिला था, तो 2001 में मिला था। कब मिला था? 2001 में, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछेगा, अगर पूछना होगा इनसे संबंधित क्वेश्चन तो यही पूछेगा कि 2001 मतलब भारत रत्न से इन्हें कब सम्मानित किया गया था, 2001 में किया गया था। और इन्हें जो फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान है लीजन द ओनर अवार्ड, उससे भी इन्हें सम्मानित किया गया है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। और 92 ईयर्स की उम्र में इनकी डेथ हुई है 6 जनवरी को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 में उद्घाटन समारोह में भारतीय दल की अगुवाई किसने की है? आरिफ खान ने की है। अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस, एक तो कैंसर दिवस भी 4 फरवरी और अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस भी 4 फरवरी, तो दोनों आप ध्यान रखिएगा। किसके द्वारा हाल ही में शिलांग टेक्नोलॉजी पार्क का उद्घाटन किया गया है? तो कॉन्राड के संगमा के द्वारा वहाँ पर उद्घाटन किया गया है। प्रधानमंत्री ने चौरी चौरा घटना के 4 फरवरी 2022 को 100 वर्ष पूरा हो जाने पर स्वतंत्रता संग्राम के वीरों को श्रद्धांजलि दी है। चौरी चौरा किस राज्य में स्थित है? तो यूपी में स्थित है। रिवर लिंकिंग परियोजना जो कि चर्चा में, इसका संबंध किन नदियों से संबंधित है? तो गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी। इंपॉर्टेंट है क्योंकि चर्चा में है, तो रिवर लिंकिंग परियोजना गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी इससे संबंधित है। बजट 2022-23 में प्रधानमंत्री डिवाइन योजना को कितने रुपए के प्रारंभिक आवंटन के साथ प्रस्तावित किया गया? तो कितने के? 1500 करोड़। तो पीएम डिवाइन स्कीम क्या है, कितने रुपए के उसमें किया गया? 1500 करोड़। तो ये जो है, जो पीएम डिवाइन योजना है, ये उत्तर पूर्वी काउंसिल कार्यकर्ता के द्वारा, और इसका उद्देश्य क्या है? जो कैंसर प्रबंधन पर बल देना, मिजोरम में बैम्बू लिंक रोड बनेगा, वैज्ञानिक कृषि को बढ़ावा दिया जाएगा, तो ये सब उसी में है। तो डिवाइन का फुल फॉर्म क्या है? डेवलपमेंट इनिशिएटिव ऑफ नॉर्थ ईस्ट, यानी कि ये किसके लिए है? नॉर्थ ईस्ट एरिया के लिए है। हाल ही में किस शहर के 80 घाट को उसका पहला फूड स्ट्रीट मिल गया है? वाराणसी। नेक्स्ट आते हैं हम लोग 7 के बाद 10th, एक मिनट गाइस, 7th 9th एर्थ भी होगा, चलिए कोई नहीं, इसी में सब होगा, कोई मिस नहीं होगा, बस हाँ रिपीट हो गया होगा और कोई नहीं। तो जो भी है हम लोग सॉल्व करते चलते हैं सारे क्वेश्चन को। 14 फरवरी 2022 को इसरो द्वारा 2022 का पहला उपग्रह EOS-04 किस प्रक्षेपण यान से लॉन्च किया गया? तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया? PSLV-C52 के द्वारा लॉन्च किया गया है। हाल ही में एक नई स्तनपाई प्रजाति व्हाइट चीक्ड मैकॉक की खोज की गई है। कहाँ से की गई है? अरुणाचल प्रदेश से की गई है। वन नेशन वन राशन कार्ड को लागू करने वाला 35वां राज्य कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है? तो छत्तीसगढ़। कौन से नंबर का? 35। वन नेशन वन राशन कार्ड, तो इंपॉर्टेंट है वो क्वेश्चन भी। हाल ही में किसे JNU की पहली महिला कुलपति के रूप में? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए इसको ध्यान से कि पहली महिला कुलपति के रूप में कहाँ की? JNU की। कौन? शांतिश्री धुलिकुड़ी पंडित। किसे हाल ही में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT का नया निदेशक नियुक्त किया गया? दिनेश प्रसाद सकलानी को। किस राज्य सरकार के द्वारा 7 फरवरी 2022 को ओपन एयर कक्षा कार्यक्रम परिसंचालन शुरू किया गया? पश्चिम बंगाल। तो रग्या महोत्सव का संबंध कहाँ से है? अरुणाचल प्रदेश से है। अंतर्राष्ट्रीय अर्धशुष्क उष्णकटिबंधीय फसल अनुसंधान संस्थान ICRISAT का मुख्यालय कहाँ पर? हैदराबाद में है। 6 फरवरी 2022 को फुटबॉल टूर्नामेंट अफ्रीका कप ऑफ नेशंस 2022 का खिताब किस टीम के द्वारा जीता गया? तो सेनेगल के द्वारा जीता गया है। भारत में किस COVID-19 रोधी एकल खुराक वाले टीके को 2022 में आपातकालीन उपयोग की अनुमति दी गई है? तो कहाँ, किसको दी गई? उत्निक लाइट को दी गई है। किस देश हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा शिवपुरी को कुंडेश्वर धाम के रूप में, तो अभी मैंने दो ऑलरेडी बताया था आपको, एक आपका माखन नगर कर दिया गया है बाबाई कस्बे को, एक मैंने होशंगाबाद को नर्मदापुरम बताया कर दिया गया है, और एक है शिवपुरी को किस में बदल दिया गया है? कुंडेश्वर धाम के रूप में नामित करने की मंजूरी दी गई है MP सरकार। तो यहाँ पे तीन है, तीनों आपको ध्यान रखना है। 5 फरवरी 2022 को कहाँ दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखी गई? तीसरा सबसे बड़ा, तो ये कहाँ पर आधारशिला रखी गई है? जयपुर, राजस्थान। और विश्व का पहला कौन सा है? तो मोटेरा स्टेडियम, अहमदाबाद का मोटेरा स्टेडियम, और ये तीसरा जयपुर। 7 फरवरी 2021 को गहन मिशन इंद्रधनुष 4.0 की शुरुआत की गई है। अभी किसी लेक्चर में, मैंने मार्च के किसी लेक्चर में पूरा आपको डिटेल इसका बताया कि कब इंद्रधनुष आया, कब ये गहन यानी IMI इसके फोर्थ, यानी टोटल मैंने 1 से लेकर 4 टोटल मैंने बताया कि किस लिए की गई थी। तो ये अभी कब की गई है? फरवरी में आई है जो IMI 4.0 की शुरुआत की गई है, यानी इसके 4 चरण आ गए। इसके तहत कितने राज्य या UT को कवर किया जाएगा? 33 को कवर किया जाएगा, तो ये भी आपको ध्यान रखना है।
नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, ये तो आपके अभ्यास प्रश्न है। हाल ही में किसे विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? डॉक्टर एस उन्नीकृष्ण नायर को। तो ये ध्यान रखना है कि जो विक्रम साराभाई सैटेलाइट सेंटर है उसके निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? उन्नीकृष्ण नायर को। भारतीय मूल के किस अमेरिकी को क्रिप्टो तकनीकी कार्य समूह के लिए प्रमुख आर्थिक विकास और ऊर्जा ढांचागत विकास सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? हिमांशु बी पटेल को नियुक्त किया गया है। हाल ही में पाकिस्तान ने CPEC के दूसरे चरण को शुरू करने के लिए चीन के साथ कितने बिलियन अमेरिकी डॉलर के एक नए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो 60 बिलियन डॉलर। राष्ट्रीय एकल खिलाड़ी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अभी आज ही इस क्वेश्चन को मैंने क्या कहते हैं चैनल में, टेलीग्राम चैनल में शेयर किया है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो ध्यान रखिएगा। तो राष्ट्रीय एकल खिलाड़ी खिड़की प्रणाली में शामिल होने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बन गया है? जम्मू कश्मीर। बहुत गलती हो रही बोले क्योंकि लगातार बोलते चले आ रहे हैं तब से, इसीलिए थोड़ा सा इधर उधर हो जा रहा, बट कोई नहीं, मैं क्लियर कर दे रही हूँ। राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली में शामिल होने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बन गया है? कौन सा बन गया है? वो है जम्मू कश्मीर। फरवरी 2022 में किस देश ने 2022 AFC महिला एशियाई कप का खिताब जीता है? तो वो कौन है? चीन है। वित्त मंत्री सीतारमन के द्वारा केंद्रीय बजट 2022 देश में एक स्टेशन एक उत्पाद की घोषणा की गई है। तो हाँ बिल्कुल की गई है, एक स्टेशन एक उत्पाद की घोषणा। इस योजना का संबंध किससे है कि एक स्टेशन एक उत्पाद? तो ये रेल मार्ग से है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 2022 में जारी फोर्ब्स की जो जारी किया है, क्या जारी किया है? रियल टाइम बिलेनियर इंडेक्स के अनुसार एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? वो है गौतम अडानी। हाल ही में किसके द्वारा भारत का पहला AI आधारित जॉब पोर्टल स्वराजेबिलिटी, इंपॉर्टेंट है जॉब पोर्टल, ये स्वराजेबिलिटी क्या है? एक जॉब पोर्टल है जो किसके द्वारा विकसित किया गया है? IIT हैदराबाद के द्वारा। हैकथॉन प्रतियोगिता पावरथॉन 2022 का संबंध किस मंत्रालय से है? तो ऊर्जा मंत्रालय से संबंधित है। मानव तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए, इंपॉर्टेंट है कि मानव तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए किसके द्वारा, रेलवे सुरक्षा, भारतीय रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा कौन सा अभियान शुरू किया गया? ऑपरेशन आहट, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। किस राज्य सरकार के द्वारा लता मंगेशकर जी के नाम से एक संगीत अकादमी और प्रतिमा स्थापित करने की घोषणा की गई? तो MP, क्योंकि उनका जन्म इंदौर में ही हुआ था तो वहीं पर ये स्थापित करने की घोषणा की गई। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना को 46,100 करोड़ के परिव्यय के साथ कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? तो 2025-26 के लिए इसको बढ़ा दिया गया है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, ये तो हो गया डिस्कस, ये नहीं हुआ है, ये आपका 8 फरवरी का होगा। फिनटेक ओपन समिट चर्चा में है, इसका संबंध किससे है? नीति आयोग से। फिनटेक ओपन समिट किससे है? नीति आयोग से है। भारतीय सेना ने फरवरी 2022 में किसके साथ कोंकर्स MNT टैंक गाइडेड मिसाइल के निर्माण और आपूर्ति के लिए 3131.82 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भारत डायनोमिक्स लिमिटेड के द्वारा। हाल ही में सेल्सफोर्स द्वारा जारी वैश्विक डिजिटल कौशल सूचकांक 2022 में सबसे अधिक तत्परता सूचकांक किस देश का है? किसमें? वैश्विक डिजिटल कौशल सूचकांक 2022 में, तो उसमें जो है कि सबसे अधिक तत्परता सूचकांक में भारत टॉप पर है। बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार को किस राज्य का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो अक्षय कुमार को किस राज्य का ब्रांड एम्बेसडर? उत्तराखंड का बनाया गया है। ओलंपिक विथि या ओलंपिक बुलेवार्ड, इंपॉर्टेंट है, किसके यूटी या स्टेट की स्ट्रीट स्कैपिंग परियोजना का एक हिस्सा है? तो ये दिल्ली का है। केंद्रीय बजट 22-23 में प्रस्तावित पर्वतमाला योजना का नोडल, इसका भी ये किससे संबंधित है? पूरा डिटेल मैंने लेक्चर में बताया, जाकर के 8 फरवरी के उसमें देख लीजिएगा। केंद्रीय बजट 22-23 में प्रस्तावित जो पर्वतमाला योजना है, इसका नोडल मंत्रालय कौन सा है? सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय। दुनिया का सबसे बड़ा इग्लू कैफे कहाँ खोला गया है? तो गुलमर्ग, जम्मू के गुलमर्ग में। RBI द्वारा 14 से 18 फरवरी 2022 के मध्य वित्तीय साक्षरता सप्ताह मनाया जाएगा। ठीक है, चलिए मनाया जाएगा, 14 से 18 फरवरी मना ले रहे हैं, लेकिन इस वर्ष की थीम क्या रखेंगे? तो थीम इम्पोर्टेंट है कि गो डिजिटल गो सिक्योर, कि डिजिटल की तरफ आपका क्या होना चाहिए, मोड होना चाहिए, घुमाव होना चाहिए, और वही आपका क्या है, और गो सिक्योर, और आप क्या है वहाँ पर सुरक्षित भी हैं। किस राज्य या यूटी में कंचौत उत्सव मनाया गया? तो जम्मू कश्मीर, ये करवा चौथ व्रत की तरह ही होता है सेम, तो ये कंचौत वहाँ पे जम्मू कश्मीर में बनाया जाता है, और यहाँ पर इस साइड आप लोगों के क्या कहते हैं करवा चौथ। अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट, सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं की श्रेणी में वर्ष 2021 के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग में उत्कृष्टता के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो रेलटेल के द्वारा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व दलहन दिवस कब मनाया जाता है हर साल? तो 10 फरवरी को मनाया जाता है। फरवरी 2022 में 35वां
अफ्रीकी संघ शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो अदिस अबाबा कहाँ के? इथोपिया के। फरवरी 2022 में किसे कर्मचारी चयन आयोग यानी SSC का अध्यक्ष बनाया गया? एस किशोर को। तो SSC वाले तो जरूर इसको ध्यान रखिएगा, एस किशोर। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड द्वारा 9 फरवरी 2022 को किसे 10,000 फीट से ऊपर दुनिया की सबसे लंबी सुरंग के रूप में मान्यता दी गई है? तो वो दैट इज अटल सुरंग। यूएनईपी, ये डी यहाँ लिखा हुआ है, डी नहीं बल्कि ई होगा, ये ध्यान रखिएगा। UNEP क्योंकि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम है, ने माझी वसुंधरा, अब माझी बोल दिया तो 100% इसका आंसर क्या होना चाहिए? महाराष्ट्र होना चाहिए। माझी वसुंधरा अभियान का समर्थन करने के लिए किस राज्य सरकार के द्वारा एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है? तो महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। दुबई एक्सपो में प्रस्तुत वैश्विक उद्यमिता निगरानी 2021-22 रिपोर्ट में नए कारोबार की सुगमता के मामले में भारत की रैंकिंग क्या है? 4th, कि यहाँ पर नया कारोबार आसान करना मतलब नया कारोबार स्टार्ट करना आसान है। इस स्तर पर जो सर्वे कराया गया उसमें लोगों के रिव्यू के अनुसार भारत को जो रैंकिंग दी गई 4th दी गई है। भारत का पहला व्यावसायिक स्तर का बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र, अभी मैंने बताया था वहाँ पर हाइड्रोजन से रिलेटेड, तो वो भी आपके मध्य प्रदेश के इंदौर में, और ये भी MP है लेकिन MP के खंडवा में, कहाँ पर? कैसा? बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। IPL 2022 की नई टीम अहमदाबाद फ्रेंचाइजी का आधिकारिक नाम 9 फरवरी 2022 को क्या रख दिया गया? तो अहमदाबाद फ्रेंचाइजी का आधिकारिक नाम क्या कर दिया है? गुजरात टाइटन्स कर दिया है। US ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल की सालाना सूची में भारत 2021 में LEED प्रामाणिक हरित इमारतों के मामले में दुनिया में किस स्थान पर है? क्यों कौन? भारत। तो भारत तीसरे स्थान पर है। 10 फरवरी 2022 को RBI द्वारा जारी मौद्रिक नीति रिपोर्ट में रेपो रेट कितने परसेंट रखी गई है? तो कितने परसेंट रखी गई है रेपो रेट? 4% रखी गई है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। अब चलते हैं हम लोग अपने 12 फरवरी के लेक्चर पर। क्वेश्चन है, 9 से 11 फरवरी 2022 को वन ओशन समिट का आयोजन कहाँ किया गया है? तो कहाँ किया गया? फ्रांस में किया गया है। और ये आपका इसका उद्देश्य क्या है? महासागर का सतत विकास, समुद्री पारिस्थितिक तंत्र को क्या करना है? सुरक्षित रखना। हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा मद्रास के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मुनीश्वरनाथ रेणु जी को। 2021 में दुनिया के केंद्रीय बैंकों में सोने का, गोल्ड का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार बैंक कौन सा है? RBI। स्माइल योजना इंपॉर्टेंट है, स्माइल योजना का शुभारंभ हाल ही में किसके द्वारा किया गया है? तो किया गया है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि हाल ही में इंडियन ऑयल बोर्ड में फंक्शनल डायरेक्टर का पदभार संभालने वाली पहली महिला कौन बन गई? शुक्ला मिस्त्री। तो ये भी ध्यान रखिएगा। यूनानी दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 11 फरवरी को मनाया जाता है। नेशनल सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन किस संस्थान में स्थापित किया जा रहा है? IIT बॉम्बे में। नेशनल IIT बॉम्बे हाल ही में 3 दशक के बाद कहाँ पर तितली की दुर्लभ प्रजाति साउदर्न डफर को देखा गया है? तो नीलगिरी पहाड़ी पर यह देखा गया है। फ्रांस के वायरोलॉजिस्ट लुक मॉन्टेग्नियर का निधन हो गया, इनके द्वारा किस वायरस की खोज की गई थी? तो एचआईवी की खोज की गई थी। टॉम ट्रैफिक इंडेक्स रैंकिंग 2021 के अनुसार दुनिया का सबसे भीड़ भाड़ वाले शहरों के मामले में बॉम्बे जो है किस रैंक पर है? तो वो 5th नंबर पर है। बॉम्बे जो है वो किस स्थान पर है? 5th नंबर पर है। अगर टॉप पर कौन है? तो वो टर्की का जो इस्तांबुल सिटी है वो है 1st रैंक पर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 45वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेला का फोकल थीम देश कौन सा है? बांग्लादेश है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, कोलकाता का जो है वो फोकल थीम देश कौन सा है? बांग्लादेश है। टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड ने 11 फरवरी 2022 को किसे कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है? तो किसको किया है? एन चंद्रशेखरन। तो इम्पोर्टेंट है, ये भी ध्यान रखिएगा। हाल ही में किसके द्वारा पर्यावरण अनुकूल खेती को बढ़ावा देने के लिए जीवा कार्यक्रम की शुरुआत की गई? तो नाबार्ड के द्वारा। तो ये भी इम्पोर्टेंट है आपका। विश्व रेडियो दिवस हर साल कब मनाते हैं? 13 फरवरी को मनाते हैं। इसकी थीम क्या है? टू रेडियो टू ट्रस्ट। और रेडियो का सबसे पहले उपयोग कब किया गया था? 1923 में किया गया था, 1923 में। और पहला रेडियो स्टेशन 1927 में, 1927 बॉम्बे रेडियो स्टेशन इरविन के टाइम में ये स्टार्ट किया गया था। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस शहर के राजभवन में
दरबार हॉल का उद्घाटन किया है। तो मुंबई 10 फरवरी 2022 को जारी लोकतंत्र सूचकांक 2021 में भारत किस रैंक पर है, तो भारत की जो रैंकिंग है वो 56 है। किसमें? जारी लोकतंत्र। तो ये जो इंडेक्स है यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, इंपॉर्टेंट है। तो इस सूचकांक में भारत की रैंकिंग जो है 46 है, और इसको जारी कौन करता है, तो इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा, इसको UEIU इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा ये रैंकिंग जारी की जाती है, जिसमें भारत की रैंकिंग 46 आई है। इसमें भारत का ये बताया गया है इंडेक्स में कि 5 अंकों का सुधार हुआ है। तो टॉप पर कौन है, टॉप पर है आपका नॉर्वे, टॉप पर नॉर्वे है, और लास्ट में कौन है, अफगानिस्तान है। अगर विश्व भूखमरी सूचकांक की बात करें उसमें भारत की रैंकिंग क्या है, 101 है। सबसे पुराना लोकतंत्र कहे कौन सा है, तो अमेरिका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस संगठन ने 11 फरवरी 2022 को कम्युनिटी इनोवेटर फेलोशिप CIF का शुभारंभ किया है, तो किसने किया है, नीति आयोग, अटल नवाचार मिशन और UNDP ने संयुक्त रूप से किया है। कृषि क्षेत्र में केंद्र सरकार ने कब तक डीजल को अक्षय ऊर्जा से बदलने का लक्ष्य रखा गया है, मतलब केंद्र सरकार ने कब डीजल को अक्षय ऊर्जा में बदलने का लक्ष्य रखा, 2024। तो ये भी ध्यान रखिएगा, ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। 2024 मल्टी स्लिट सोलर एक्सप्लोरर म्यूज एंड हेलियो स्वार्म किस अंतरिक्ष एजेंसी से जुड़े हैं, नासा। ये भी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय महिला दिवस हर साल कब मनाया जाता है, 13 फरवरी को मनाते हैं, 13 फरवरी को मनाते हैं। क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय महिला दिवस हर साल कब मनाया जाता है, 13 फरवरी को मनाया जाता है, और किसके उस पर मनाया जाता है, सरोजिनी नायडू जी के जन्म दिन पर मनाया जाता है। और सरोजिनी नायडू जी ने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, कब की थी, 1925 में की थी, कानपुर अधिवेशन में की थी, और ये उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल भी थी। ये आपको क्लियर हो गया। और इस बार इनकी जो जयंती मनाई गई 143 नंबर की मनाई गई है। किस देश ने कोआला को फरवरी 2022 में एक लुप्तप्राय प्रजाति के रूप में नामित किया है, तो वो ऑस्ट्रेलिया। तो कोआला को किसमें है, बस ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कोआला कहाँ का है, ऑस्ट्रेलिया का है। इसको किसमें घोषित किया गया, लुप्तप्राय इंडेंजर्ड स्पेसीज में घोषित कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, दिसंबर 2024 तक भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन किस शहर में स्थापित होगा, तो सूरत में स्थापित होगा। तो ये भी ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, सौभाग्य योजना के तहत सौर विद्युतीकरण के मामले में कौन सा राज्य सबसे आगे है, तो सौर विद्युतीकरण के मामले में सबसे आगे जो है वो है हम सभी का क्या, राजस्थान। मेदारम यात्रा त्यौहार किस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश में मनाया जाता है, तो मेदारम यात्रा बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस ये क्वेश्चन, तो ये कहाँ मनाया जाता है, तेलंगाना में, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाल ही में विश्व सतत शिखर सम्मेलन का 21वां सत्र का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है, तो ये किसके द्वारा किया गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस हर साल भारत में कब मनाया जाता है, 12 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्या है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने किससे महिला श्रेणी में 2022 के जनवरी माह के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ चुना है, तो हीथर नाइट को, तो ये भी ध्यान रखिएगा आप। किस देश ने 14 फरवरी 2022 को फ्रीडम कन्वे आंदोलन के चलते 50 साल में पहली बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा की है, तो किसने की है, कनाडा के जस्टिन ट्रूडो ने की है। तुर्की के राष्ट्रपति रेचप तैयब एर्दोगन ने हाल ही में अपने देश का नाम बदलकर क्या रख दिया, तुर्की का तुर्की कर दिया गया, इंपॉर्टेंट है। हाल ही में CBI ने कितने रुपए के सबसे बड़े बैंक धोखाधड़ी के मामले में विजय शिपयार्ड को लिमिटेड के खिलाफ मामला दर्ज किया है, तो 22,842 करोड़। CBSE का नया अध्यक्ष हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है, IAS अधिकारी हैं विनीत जोशी जी को। भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित बजाज ऑटो के पूर्व अध्यक्ष थे जिनका क्या नाम था, राहुल बजाज, इनका निधन हो गया। यह सम्मान उन्हें किस साल प्रदान किया गया था, 2001 में उन्हें पद्म भूषण दिया गया था। 16 फरवरी 2022 को किस मंत्रालय के द्वारा सीड योजना, कौन सी योजना है, सीड योजना का शुभारंभ किया गया है, तो सीड योजना का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा ये स्टार्ट किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सीड का फुल फॉर्म क्या है ये देख लीजिए, सीड का मतलब स्कीम फॉर ई से इकोनॉमिक, ई से एम्पावरमेंट, ऑफ डी का मतलब डी एन टीज का मतलब होता है डायोनोटिफाइड नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक, यानी कि गैर अधिसूचित और जो खाना बदोश अर्धघुमंतु हैं उन्हीं के लिए ये है सीड योजना। तो कहाँ ये जो है किसके द्वारा की गई, सामाजिक और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा।
15 फरवरी 2022 को जानी मानी शख्सियत बप्पी लहरी जी का निधन हो गया। वो किस क्षेत्र से संबंधित है? संगीत। हाल ही में सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मीटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के 70वें स्थापना दिवस 17 नंबर का यानी 17th स्थापना दिवस के अवसर पर किसके द्वारा पंचतंत्र पर पहला रंगीन स्मारिका सिक्का लॉन्च किया है? तो निर्मला सीतारमन जी के द्वारा किया गया है। ये कौन है? वित्त मंत्री हैं। किस राज्य में 4 दिवसीय मरु महोत्सव 13 से 16 फरवरी 2022 का आयोजन किया गया? राजस्थान में। मरु महोत्सव किससे संबंधित है? इनसे, राजस्थान से संबंधित है। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए, अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 15 फरवरी को मनाया जाता है। बाल कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? 15 फरवरी को मनाया जाता है। लत्सा बुखार के संदर्भ में निम्न से कौन सा कथन सही है? तो इसमें आपको बताना है कि ये कहाँ पे कैसे है। तो यह बुखार चमगादड़ के द्वारा, तो चमगादड़ तो नहीं, गलत हो जाएगा। इसका मानव से मानव संचरण संभव है, या फिर क्या क्वेश्चन है? लत्सा वायरस का नाम मलेशिया के शहर के नाम पर पड़ा जहाँ इसका सबसे पहले मामला आया। तो पहली बार इसका जो पहली बार देखा जाए तो मलेशिया में नहीं बल्कि कहाँ पर? नाइजीरिया में आया था, 1969 में आया था। और अभी क्या हुआ है, इसमें ब्रिटेन में एक केस मिला है जिसमें इससे 3 व्यक्तियों की मौत हो गई है। तो इस हिसाब से इसका आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन बी होना चाहिए। देविका नदी परियोजना का संबंध किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से है? तो जम्मू कश्मीर। यूएस के सर्वे रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है? पाकिस्तान की रावी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 15 फरवरी 2022 के किस आईपीएस अधिकारी को गुरुग्राम की, कहाँ की? गुरुग्राम का हरियाणा, यहाँ की पहली महिला पुलिस आयुक्त तो नियुक्त किया गया है कला रामचंद्रन को। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। हाल ही में किसने बुर्किना फासो के राष्ट्रपति पद के लिए शपथ ली है? तो उनका नाम है हेनरी दामिबा। क्वाड समूह के विदेश मंत्री की चौथी बैठक कहाँ आयोजित की गई है? क्वाड समूह की कहाँ की गई है? तो ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में की गई है। इसका आंसर यहाँ नहीं दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 70 नंबर की जो राष्ट्रीय सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप 21-22 है, उसमें किस राज्य की महिला टीम ने खिताब जीता? तो केरला। किसके द्वारा डार्क थॉन 2022 का आयोजन किया गया? तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के द्वारा। डार्क थॉन 2022 का आयोजन किसके द्वारा किया गया? नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के द्वारा ये किया गया है। नेक्स्ट क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन? तो नारकोटिक्स के जो है ये कंट्रोल ब्यूरो, ये इसमें ये किसके अंतर्गत आता है? गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। जो NCB है वो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसमें इसका उद्देश्य क्या है? नशीले पदार्थ की जो चेन है उसको तोड़ देना है। और इसी के लिए अभी आंध्र प्रदेश में एक योजना लाई गई थी, ऑपरेशन परिवर्तन। तो ये गांजा को समाप्त करने के लिए, भांग गांजा जो भी है उसको समाप्त करने के लिए। नव भारत साक्षरता कार्यक्रम को कितने साल के लिए मंजूरी मिल गई है? 5 साल के लिए, 2022 से 2027। न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद लेह ने विकलांग व्यक्तियों के लिए कौन सी योजना की शुरुआत की? कुनस्योम योजना। केंद्र सरकार ने किसे भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक नियुक्त किया है? जी अशोक कुमार। नीति आयोग किसके सहयोग से फिनटेक ओपन हैकथॉन को लॉन्च करेगा? फोन पे। किसके द्वारा? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पश्चिम बंगाल के सुंदरवन में महिलाओं के लिए वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन, पूछ ले कि वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन कहाँ पे स्टार्ट किया गया है और किसके लिए? तो महिलाओं के लिए वेस्ट बंगाल में। किसके सहयोग से? सिडबी के सहयोग से। तंबाकू छोड़ो अब किस संगठन के द्वारा लॉन्च किया गया? तो डब्ल्यू एच ओ के द्वारा स्टार्ट किया गया है। केंद्र सरकार ने फरवरी 2022 में क्रूड पॉम ऑयल के लिए कृषि और संरचना विकास उपकर को 7.5% से घटाकर कितना कर दिया है? 5% कर दिया है। अंतर्राष्ट्रीय एपिलेप्सी दिवस हर साल कब मनाया जाता है? फरवरी माह के दूसरे सोमवार को मनाते हैं। भारतीय नौसेना के द्वारा अपने युद्धपोत INS विशाखापत्तनम से 18 फरवरी 2022 को किस मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है? तो ब्रह्मोस मिसाइल का किया गया है। नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 19 फरवरी 2022 को एशिया का सबसे बड़ा बायो CNG संयंत्र कहाँ उद्घाटन किया जा रहा है? इंदौर। इम्पोर्टेंट है किस राज्य के द्वारा तारापुर नरसंहार में शहीद हुए सेनानी, अभी इसको कल मैंने डिस्कस किया है क्वेश्चन में की याद में, एक पाल दादवाओ मैंने हत्याकांड डिस्कस किया था उसी के उसमें मैंने इसको भी रिवीजन करा दिया था। तो 15 फरवरी को बिहार के CM के द्वारा 15 फरवरी को शहीद दिवस के रूप में तारापुर नरसंहार में
इसके लिए घोषणा की है। तो कहाँ पर? बिहार राज्य में, ये मैंने कल ही बता दिया था आपको। फिर क्या है, हाल ही में किस राज्य में छिपकली की नई प्रजाति खोजी गई है? मेघालय में खोजी गई है। डिफेंस एक्सपो 2022 का आयोजन 10 से 14 मार्च के मध्य कहाँ किया जाएगा? गुजरात के गांधीनगर में आयोजित होने वाला था, बट अब इसको कैंसिल कर दिया गया, अब ये नहीं होगा आयोजन। क्यों नहीं होगा? उसका रीज़न यही है कि जो अभी रशिया यूक्रेन का विवाद चल रहा है। चर्चा में रहे प्रोजेक्ट सद्भावना और प्रोजेक्ट आरोहण का संबंध किससे है? इसको आरोहण भी कहीं कहीं लिखने को मिल आता है, कहीं कहीं आहरण भी। तो जो भी आए सामने उसका आंसर क्या हो जाएगा? असम। प्रोजेक्ट आहरण या आरोहण या प्रोजेक्ट सद्भावना असम से संबंधित है। किस शहर में वाटर टैक्सी सेवा 17 फरवरी 2022 को शुरू की गई? मुंबई। किसने भारतीय सेना के डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के रूप में 16 फरवरी 2022 को पदभार संभाला है? सी वंशी पोनप्पा। अमेरिका के देश के द्वारा 20 से 25 फरवरी 2022 तक संयुक्त हवाई अभ्यास कोप साउथ 2022 का आयोजन किया गया है? बांग्लादेश, कोप साउथ बांग्लादेश। फरवरी 2022 में किसने 2021 फीफा क्लब विश्व कप का खिताब जीता है? इंग्लिश क्लब चेल्सी। स्मार्ट कार शस्त्र लाइसेंस पेश करने वाली देश की पहली महिला पुलिस बल कौन बन गई है? दिल्ली पुलिस बल। इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आपका आ गया 21 फरवरी। प्रथम श्रेणी मैच के पदार्पण मुकाबले में 13 शतक लगाने वाले दुनिया का पहला बल्लेबाज कौन बन गया? शकीबुल गनी। ये कहाँ के हैं? बिहार के हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। अपने फर्स्ट मैच के दौरान ही 13 शतक इन्होंने लगा दिया। कौन सा देश भारत का यूपीआई सिस्टम अपनाने वाला विश्व का पहला देश बन गया? तो नेपाल। भीम अगर पूछ ले तो भीम कहाँ स्टार्ट अपनाने वाला कौन बन गया? तो भूटान। और अगर ये यूपीआई जो है वो नेपाल। पाकिस्तान के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान हिलाल ए पाकिस्तान से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया? बिल गेट्स को। तो ये भी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, आर्थिक विकास संस्थान का निदेशक हाल ही में किसे नियुक्त किया गया? चेतन घाटे को नियुक्त किया गया। किस विक्रम साराभाई चिल्ड्रन इनोवेशन सेंटर का शुभारंभ किस राज्य में किया गया? गुजरात में किया गया है। हाल ही में दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ फिल्म का किसमें? दादा साहब फाल्के में किसे प्रदान किया गया? शेरशाह को। ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। भारतीय रेलवे की सबसे लंबी सुरंग जिसे हाल ही में जोड़ा गया उसका क्या नाम है? T-49 सुरंग। भारतीय रेलवे की सबसे लंबी सुरंग जिसे हाल ही में जोड़ा गया T-49 उसका नाम है। उधमपुर श्रीनगर बारामुल्ला रेल लिंक प्रोजेक्ट है ये। मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 19 फरवरी को मनाते हैं। केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान जिसको रूसा कहते हैं की योजना को कब तक जारी रखने की मंजूरी दे दी है? 2026 तक, 31 मार्च 2026 तक। चर्चा में रहा इंडियन न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी का निर्माण किस राज्य के अंदर किया जा रहा है? कौन सा? IMO इंडियन न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी का निर्माण किस राज्य के अंदर? तमिलनाडु के अंदर किया जा रहा है। चर्चा में रहा शब्द परामर्श क्या है? तो परामर्श क्या? करियर काउंसलिंग वर्कशॉप है। नेक्स्ट आ गया प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? 21 फरवरी को मनाते हैं। विश्व सामाजिक न्याय दिवस हर साल कब मनाते हैं? 20 फरवरी को मनाते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। भारत सरकार के ने किसके साथ रिवार्ड प्रोजेक्ट के लिए $115 मिलियन ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए? वर्ल्ड बैंक के सहयोग से। हुरून इंडिया वेल्थ रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश में डॉलर करोड़पति परिवार की संख्या पिछले वर्ष की तुलना में कितने परसेंट बढ़ गई है? 11% बढ़ गई है। अभी मार्च में भी इस क्वेश्चन को मैंने डिस्कस किया था। अपर भद्रा परियोजना का संबंध किससे है? कर्नाटका से, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्या है, मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान का संबंध किस योजना से है? तो इसका संबंध किससे है? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से है। कौन सी? मेरी पॉलिसी मेरे हाथ, ये भी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, हो सकता है क्वेश्चन। किस कंपनी को फरवरी 2022 में भारत की सबसे भरोसेमंद सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी का पुरस्कार दिया गया? कोल इंडिया लिमिटेड। 21 से 25 फरवरी 2022 तक भारत और किस देश के मध्य द्विपक्षीय संयुक्त वायुसेना सैन्य अभ्यास एक्स ईस्टर्न ब्रिज? तो ये ध्यान रखना कि जो एक्स ईस्टर्न ब्रिज है 6th नंबर का, उसका आयोजन जो वायुसेना सैन्य अभ्यास है कहाँ किया जा रहा है? ओमान, भारत और ओमान के बीच। जल जीवन मिशन के तहत कौन सा जिला 100वां हर घर जल जिला बन गया है? तो हिमाचल प्रदेश का चंबा गांव। बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 में कौन सा देश पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर है? नॉर्वे। हाल ही में किन दो राज्यों ने 20 फरवरी को अपना स्थापना दिवस मनाया? तो अरुणाचल और मिजोरम ने अपना किस नंबर का 20वां। नेक्स्ट क्या है, 23 फरवरी मध्य प्रदेश कला परिषद खजुराहो नृत्य महोत्सव का आयोजन कब से कब तक किया जाएगा? तो बस ये ध्यान रखना है कि ये कब से कब तक किया जाएगा ये तो नहीं पूछेगा, बल्कि ये पूछेगा खजुराहो नृत्य महोत्सव का संबंध किससे है? MP से है।
लेवेंडर की खेती या बैंगनी क्रांति का संबंध किस राज्य है? यूटी से है, तो जम्मू कश्मीर। इसको मैंने 2-3 बार डिस्कस किया है, तो इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। जिसको बैंगनी क्रांति अरोमा कहते हैं। 21 फरवरी 2022 को किस राज्य की प्रख्यात गांधीवादी समाज सुधारक और स्वतंत्रता सेनानी शकुंतला चौधरी का निधन हो गया? कहाँ से बिलोंग करती थी, कहाँ से संबंधित थी, किस क्षेत्र से? असम। 20 से 29 मार्च तक ताज महोत्सव 2022 का आयोजन किया जाएगा। अब ताज महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? आगरा में। यूपी स्पेशल का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। हाल ही में वित्तीय स्थिरता विकास परिषद की बैठक 22 फरवरी 2022 को मुंबई में आयोजित की गई। किस नंबर की बैठक है? 25वीं नंबर की बैठक है। नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? असम बन गया है। 19 फरवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में खेतों में कीटनाशक के छिड़काव के लिए कितने किसान ड्रोन की शुरुआत की है? अभी कल ही मैंने इसको डिस्कस किया, 100 ड्रोन के उपयोग के बारे में मैंने सब कुछ वहाँ डिटेल में बताया। किस देश की पुरुष टीम 20 फरवरी 2022 को ICC रैंकिंग में नंबर 1 बन गई है? भारत। हाल ही में किस राज्य को अपना पहला जैव विविधता पार्क मिल गया? हिमाचल प्रदेश। हाल ही में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने डोनेट्स्क और लुहांस्क में अलगाववादी क्षेत्र की स्वतंत्रता को मान्यता दी है। दोनों क्षेत्र किस देश से संबंधित है? यूक्रेन से संबंधित है। गाइस, अगर पूरा लेक्चर बहुत डिटेल में देखना होगा तो प्लीज़ जा करके प्लेलिस्ट क्रिएट है, सभी लेक्चर को डे वाइज आप देख सकते हो, वहाँ बहुत डीपली बताया है। यहाँ मैं बहुत ज़्यादा डीप नहीं जा रही हूँ क्योंकि लेक्चर बहुत लॉन्ग हो जाएगा, लंबा हो जाएगा, और फिर कोई फ़ायदा नहीं है फिर इसको मुझे अलग से बनाने के लिए। ये रिवीजन के लिए कि आपका एग्ज़ाम टाइम में क्या हो, फटाफट आप लोग देख सको और फिर जा करके अगर क्वेश्चन आ जाए तो क्वेश्चन तो ऑब्वियसली आएगा। अगर यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा, इस करंट से नहीं आएगा, तो कहाँ से आकर क्वेश्चन आएगा? वो लोग भी यहीं से बनाने वाले हैं, तो क्वेश्चन सारे सिलेक्टिव हैं, इंपॉर्टेंट है, तो बहुत ध्यान से देखिए। चलते हैं 24 फरवरी पर हम लोग आ चुके हैं। 6 से 27 फरवरी 2022 तक भारतीय वायुसेना किस देश में आयोजित एक्सरसाइज कोबरा वॉरियर 2022 नामक एक युद्धाभ्यास में भाग लेगी? तो कहाँ पर? इंग्लैंड। कोबरा जो है, और हाँ गाइस, इससे रिलेटेड बताना है कि जो एक्सरसाइज कोबरा वॉरियर 2022 इंग्लैंड, इसको भी रद्द कर दिया गया है। जैसे गांधीनगर में, गुजरात के गांधीनगर में डिफ एक्सपो आयोजित होने वाला था, उसको भी कैंसिल कर दिया गया, तो इसको भी कैंसिल कर दिया गया, वही रशिया यूक्रेन के विवाद के कारण। और गाइस, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक तुरंत कर दीजिए। हाल ही में किससे प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया? शेयर करने में टाइम लगता है लेकिन लाइक करने में तो टाइम नहीं लगता। व्यूज़ तो आ रहे हैं लेकिन व्यूज़ जब आ रहे हैं तो लाइक भी तो बनता है ना आप लोगों का। किसे प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया? संजीव सान्याल को। साहित्य अकादमी द्वारा किसे उर्दू भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 देने की घोषणा की गई है? चंद्रभान ख्याल को। कौन सी कंपनी अमेरिका के सबसे बड़े वित्तीय संस्थान में मेटावर्स में प्रवेश करने वाला पहला बैंक बन गया है? जेपी मॉर्गन चेज एंड कंपनी। नॉइज ब्लेजेस एंड मिसमैचेस नाम से फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 हाल ही में किसके द्वारा जारी की गई? कौन से नॉइज ब्लेजेस एंड मिसमैचेस फ्रंटियर रिपोर्ट जारी की गई किसके द्वारा? यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम UNEP के द्वारा किया गया है। किस देश ने हाल ही में सी डैम नौ सेना वायु रक्षा प्रणाली का परीक्षण किया? इसराइल। किस देश ने हाइबारी नाम से अपनी पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन लॉन्च की? हाइबारी। किस देश ने बोला अपनी पहली? तो जापान ने। शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय साधन सह मेधा छात्रवृत्ति को कितने साल तक की अवधि के लिए जारी रखने की मंजूरी दी है? 5 साल। विश्व पेंगोलिन दिवस हर साल कब मनाया जाता है? फरवरी माह के तीसरे सप्ताह को। किसने 22 फरवरी 2022 को विज्ञान सर्वत्र पूज्यते कार्यक्रम का उद्घाटन किया? श्री रामनाथ कोविंद। 22 फरवरी भारत देश के बाहर किस देश में अपना पहला IIT स्थापित करेगा? UAE में। कई बार रिवीजन करा चुके हैं, अब तो रट गया होगा आप लोगों को। हाल ही में रमेश बाबू प्रज्ञानंद ऑनलाइन शतरंज टूर्नामेंट में किस शतरंज चैंपियन को हराने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए? कार्लसन को हरा करके ये टॉप पर हो गए हैं, ये कार्लसन और ये प्रज्ञानंद बाबू, रमेश बाबू। हाल ही में किस राज्य सरकार ने बजट में पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की घोषणा की? राजस्थान ने क्या किया? जो पुरानी पेंशन योजना उसको बहाल कर दी, और जो चिरंजीवी वाला है, चिरंजीवी स्वास्थ्य से रिलेटेड जो है बीमा, तो उसको 5 लाख से 10 लाख कर दिया, वो भी अभी मैंने कल ही डिस्कस किया इसके बारे में। केंद्रीय उत्पाद शुल्क प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 24 फरवरी को मनाया जाता है। फरवरी 2022 में किस देश ने खैबर बस्तर मिसाइल नामक एक नया मिसाइल अनावरण किया है? तो खैबर आ जाए तो उसका किससे रिलेशन हो जाएगा? ईरान से। किसके द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण डैशबोर्ड लॉन्च किया गया? ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा किया गया है। किस देश ने रूस के सैन्य अभियान के बाद इमरजेंसी की घोषणा कर दी है? यूक्रेन ने। 30 फरवरी 2022 को केंद्रीय मंत्री सर्वानंद सोनोवाल ने कहां पर निकर्षण सदन म्यूजियम का उद्घाटन किया है? किसके द्वारा? केंद्रीय मंत्री सर्वानंद सोनोवाल के द्वारा। तो यहां कहां पर किया गया है? विशाखापत्तनम में किया गया है। 21 फरवरी 2022 को केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर परिसीमन आयोग का कार्यकाल कितने महीने के लिए बढ़ा दिया? तो 2 माह के लिए बढ़ा दिया गया है।
समुद्री वन्य जीव अपराधों से निपटने के लिए किस राज्य सरकार ने मरीन एलीट फोर्स का गठन किया? तो तमिलनाडु ने ही किया है इसको। भारत को किस देश की एरोस्पेस कंपनी बोइंग से बरहमा P-81 समुद्री गश्ती विमान प्राप्त हुआ है? तो अमेरिका से ये प्राप्त हुआ है। P-81 क्या है? ये समुद्री गश्ती विमान है। फरवरी 2022 में वेदांता समूह की कंपनी ने केएन ऑयल एंड गैस ने कहाँ पर तेल की खोज की है? राजस्थान के बाड़मेर में। और इस तेल की खोज जो की, इसका नाम क्या रखा है? दुर्गा रखा है। ये भी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, राजस्थान के बाड़मेर। 26 फरवरी का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हाल ही में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की पहली आश्वेत महिला जज कौन बन गई? केतांजी ब्राउन जैक्सन। 25 फरवरी 2022 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा लचित बोरफुकन की 400 नंबर की जयंती समारोह का उद्घाटन कहाँ किया गया है? लचित बोरफुकन की असम में किया गया है। भारतीय मंदिर वास्तुकला का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन देवायतनम 26 फरवरी 2022 को कहाँ आयोजित किया गया? इंपॉर्टेंट है ये, क्या है? मंदिर वास्तुकला शैली है। कहाँ पर किया गया है? कर्नाटक के हम्पी में किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट में 24 फरवरी 2022 को सबसे ज़्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी के नाम पर है? रोहित शर्मा। किस संस्थान के द्वारा हाल ही में किसान नाम से एक ऐप IIT रुड़की जो मौसम संबंधी जानकारी प्रदान करेगी? कई बार रिवीजन करा चुके हैं। भारत जापान, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कि धर्म गार्जियन किससे संबंधित है? भारत और जापान से संबंधित है। कहाँ पर किया जा रहा है इसका अभ्यास? स्वयं अभ्यास कर्नाटक के बेलगांव में किया जा रहा है। हाल ही में बाल्टिक देश में शामिल किस देश में आपातकाल की घोषणा कर दी? लिथुआनिया ने कर दी है कि रशिया कहीं मेरे पे भी अटैक ना कर दे, तो इसी डर से वो वहाँ पर भी अपना कर दिया। किस बैंक पर यूनाइटेड स्टेट फेडरल अथॉरिटी ने 24 फरवरी 2022 को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में $55 मिलियन का जुर्माना लगा दिया है? पाकिस्तान नेशनल बैंक पर कर दिया है। IDBI के प्रबंध निदेशक के मुख्य CEO के रूप में किसे नियुक्त, मतलब प्रबंध निदेशक के CEO के रूप में किसे पुनर्नियुक्त की मंजूरी दी है? राकेश शर्मा। भारतीय नौसेना का बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास मिलन इंपॉर्टेंट है, कहाँ शुरू किया गया? विशाखापत्तनम में किया गया है। किस कंपनी ने भारत में अपना पहला साइबर सुरक्षा केंद्र शुरू करने की घोषणा की है? IBM ने की है। अब आते हैं हम लोग 28 फरवरी जो कि आपका लास्ट है फरवरी मंथ का। हाल ही में चर्चा में रहा शब्द स्विफ्ट क्या है? तो स्विफ्ट क्या है? ग्लोबल पेमेंट सिस्टम है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को मनाते हैं हम लोग। तो ये पूरे एक हफ्ता चला था, 22 से 28 को समापन हुआ, 22 से स्टार्ट हुआ था, तो 28 को ही मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? US चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा जारी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत किस स्थान पर है? तो पहले तो ये जानना है कि ये सूचकांक का क्या नाम है? अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 जारी किया किसके द्वारा? US चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा। बात की रहेंगे क्या 43 है। हाल ही में भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी अभियान किस मंत्रालय के द्वारा आरंभ की गई है? तो शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। कार्यबोर्ड क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन हाल ही में कहाँ किया गया? तो महाराष्ट्र में। COVID-19 के लिए भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन RBD प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन कौन सी है? तो उसका नाम है कोर्बेवैक्स TM, इंपॉर्टेंट है वो भी। मनरेगा हेतु लोकपाल ऐप फरवरी 2022 में किसके द्वारा लॉन्च किया गया? गिरिराज सिंह के द्वारा लॉन्च किया गया है। 58वां जो सीनियर राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप 2022, इसका मेजबान शहर कौन सा है? इसका तो कानपुर है। हाल ही में मैक्सिकन ओपन टेनिस टूर्नामेंट का खिताब किसके द्वारा जीता गया? राफेल नडाल के द्वारा जीता गया है। भारतीय रेलवे का पहला सोलर पावर प्लांट जो कि सीधे ट्रैक्शन पावर को फीड प्रदान करता है, उसे कहाँ स्थापित किया गया है? तो बीना MP। MP से बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं तो उसको एक जगह लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, बीना MP में किया गया। यूक्रेन से भारतीयों की वापसी के लिए भारत सरकार के द्वारा कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया है? तो ऑपरेशन गंगा। ये तो 100% क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले एग्जाम में पूछेगा। तो चलिए गाइस, आज के लिए बस इतना ही। पूरे फरवरी का मैंने निचोड़ आपको दे दिया है, जितने भी करंट अफेयर्स थे उनका पूरा एक सार मैंने आपको दे दिया है, कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटा है। और बहुत डीप जान देखना हो तो उसके लिए आपका हमारा लेक्चर पर डे मतलब अपलोड होता रहता है, तो आप वहाँ से जाकर के डीप में नॉलेज ले सकते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच।